तो आज हम बात करेंगे नथिंग फोन 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, नथिंग फोन 1 काफ़ी फेमस हुआ था जब लॉन्च के बाद, और अब बारी आ गई है नथिंग फोन 2 की। तो यहाँ पर हम आपके लिए लिख रहे हैं एक छोटा सा एक वीडियो। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि नथिंग फोन 2 तीन वेरिएंट में मिलता है, 128 GB, 256 GB एंड 512 GB। तो तीनों वेरियंट की प्राइस जो है वो जाहिर सी बात है अलग अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसका 512 GB का जो वर्ज़न है वो 54,999 में आपको मिलेगा, वहीं 128 वाला जो वर्ज़न है वो आपको 44,999 में मिलेगा। यानी कि 45,000 रुपये में अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हैं तो साथ में आपको यहाँ पर कलर वेरिएंट पहले की तरह दो मिलने वाले हैं, एक ब्लैक और एक दूसरा है वाइट। तो ये दो कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। बात करेंगे आज हम थोड़ी सी 128 GB की बारे में। तो ये 45,000 के आसपास है, अगर आप बैंक वगैरह का ऑफर लगाते हैं तो यहाँ पे 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख पाएंगे अलग अलग जगह से अलग अलग बैंक में आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। बाकी ये बैक पैनल की बात करें तो आप कुछ मिलता जुलता सा ही है कुछ जो कि नथिंग फोन 1 में था, ताकि आपको पता चलेगा ये फ़ोन नथिंग फोन और नथिंग फोन 2 लगभग ऐसे ही दिखने वाले हैं। अब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि कैमरे के लेकर और भी डिटेल आपको नीचे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो वेरिएंट है 128, यहाँ पे आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB रोम मिलने वाली है। इसके अंदर 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 50 MP का रियर कैमरा और 50 का ही आपको फ्रंट का मिलेगा। यहाँ पर आपको 47 mAh की बैटरी मिलेगी। प्रोसेसर के अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8+ Gen प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। यहाँ पे आप गेमिंग के लिए या फिर आप वीडियो वगैरह में बनाते हैं हाई रेजोल्यूशन के साथ, तो यह काफ़ी सपोर्टिंग करने वाला ये प्रोसेसर है, जो कि 8 कोर पर बेस्ड किया गया है। यहाँ पे आपको फोन के अंदर शायद में हाइब्रिड स्लॉट भी मिलेंगे, OTG सपोर्ट मिलेगी, स्मार्टफोन ग्रे कलर और दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक बट कंपनी ग्रे बोलती है। जो डिस्प्ले साइज़ है यहाँ पे आपको 2412 और 1080 pixel मिलने वाला है, मतलब फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे दे रही है कंपनी। यहाँ GPU की बात करें तो हमने जैसे बताया जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा है, तो यहाँ पे Adreno 730 GPU आपको मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो हमें फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि फ़ोन को लाइट वेट बनाती है, ये काफ़ी अहम होती है अगर आप फ़ोन लेते हैं तो लाइट वेट बनती है और डिस्प्ले टूटने के चांस भी काफ़ी कम रहते हैं। HD गेमिंग आपको मिलने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर डिस्प्ले जो है फ्लेक्सिबल OLED है 6.7 इंच की, और कमिंग गोरिल्ला ग्लास HDR10 का प्रोडक्शन मिलता है आपको, लो ब्लू लाइट प्रिंसिपल मिलती है, हमें 10-bit कलर डेप्थ मिलने वाली है। तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा है, और 1000 nits की ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि आप आउटडोर भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कलर डिस्प्ले पे मिलने वाला है। तो ये सब मिलने वाला है, साथ में आपको जो एंड्रॉयड 13 का कंपनी इसमें OS दे रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा है। और बाकी 3 साल की अपडेट मिलेगी इसमें, क्वालकॉम 7 8th Gen प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 3.8 GHz की स्पीड है, क्लॉक स्पीड बोलते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस फ़ोन को बहुत एक बेहतरीन फ़ोन बनाती है। तो यहाँ पर आपको ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन देखिए 4K दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो कितना रखा गया है, उसके हिसाब से क्या फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि प्राइस थोड़ा उन्होंने इस बार ज़्यादा रखा है इस फ़ोन का। बाकी फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले वगैरह भी अच्छी है, और जो फ़ोन के रिव्यू है वो नथिंग फोन 1 के रिव्यू आप पहले भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ईयर एंड्रॉयड अपडेट एंड 4 ईयर सिक्योरिटी पैस का प्रॉमिस करती है कंपनी, तो ये आपको मिलेंगे, अच्छा है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व कर दी जाती हैं इन अपडेट्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको छोटा सा क्विक रिव्यू था इस फ़ोन के बारे में। यदि आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आप उस फ़ोन का लेना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये प्राइस क्या आपको ज़्यादा लगता है तो वो भी बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर आते हैं आपके लिए।